अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयान, आप देख रहे हैं डिस्कवर विद आयान। तो बड़े अरसे बाद मैं जो है व्लॉग बनाने लगा हूँ, उसकी वजह कि आपको पता है ईद से पहले मैं काफ़ी बिजी था, मामलात होते हैं हर बंदे के अपने अपने, तो उसके बाद ट्रैक किए हैं लेकिन वो इतनी जल्दी में किए हैं और टूर भी किए थे कि वहाँ पर व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। आप लोग देख रहे होंगे कि मोस्टली जो है शॉर्ट्स आ रहे हैं लेकिन व्लॉग नहीं आ रहे। तो आज का जो व्लॉग है, हम ये जहाँ पर खड़े हुए हैं यह है हूपर विलेज, यहाँ से हम जा रहे हैं जी रश लेक, और उसके बाद देखेंगे अगर वहाँ जाके कोई थोड़ा टाइम होगा तो रश पीक भी करेंगे, वगरना रश लेक करके वापस आ जाएंगे। फिलहाल जो है हम यहाँ से ऑलमोस्ट सारे तैयार हो चुके हैं, नाश्ते का वेट हो रहा है। मेरे साथ हैं जी गिलानी साहब, और उसके बाद जो मशहूर शायर हैं जी तजवाना साहब, और हमारे जो साथी हैं चन्ना साहब। नहीं जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग अपने ट्रैक की जानब चल पड़े, और हम काफ़ी जो हैं वो लेट हो गए क्योंकि आज ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है मेरे ख्याल में, 6 से 7 घंटे का जो ट्रैक होगा। तो अभी हम जो है वो चल पड़े हैं, और मेरे ख्याल में आगे ग्लेशियर पे जाके एक दो ग्लेशियर आएंगे, उनको क्रॉस करके फिर आगे जो है आज का हमारा स्टे होगा। ट्रैक स्टार्ट कर लिया था, चलते चलते जो है हम ऊपर ग्लेशियर पे पहुंच चुके हैं, और ये स्टार्ट यहाँ से होके ऑलमोस्ट नगर तक जाता है, और भाई बता रहे थे 18 किलोमीटर यान भाई, 18 किलोमीटर, और पर डे इनके अकॉर्डिंग 6 इंच जो है ये बढ़ता है रोज़ बरोज़। तो हाँ, नगर की जानब। तो अभी हम जो है इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे फिलहाल, उसके बाद इसको क्रॉस करते हुए वो सामने ट्रैक है, वहाँ से हम निकलेंगे ऊपर। अच्छा जी, वहाँ से हम चलते हुए आ गए थे नीचे, ये सारा ग्लेशियर जो है ये हमने क्रॉस कर लिए, और अभी आगे थोड़ा सा रह गया है। तो मज़े की बात, आप यहाँ पे होते हैं बिल्कुल ये जो वो आबादी, बल्कि ये आबादी यहाँ पे आपका होटल है, मतलब यहाँ पर सारे होटल हैं, वहाँ से आपने ऐसे नीचे आना है पहले, फिर ये पहला ग्लेशियर जो है ऊपर ग्लेशियर इसको क्रॉस करेंगे, और इसके बाद है जी वो सामने, वहाँ से फिर आगे दूसरा ग्लेशियर शुरू होगा। तो रात हम बैठे थे जी मेरे ख्याल में कोई 28:50 पे या 28:20 पे, अभी हम बैठे हैं जी 26:50 पे, यानी कि 200-250 मीटर आपको नीचे आना पड़ता है अपने होटल से ये ग्लेशियर को पार करने के लिए, और फिर आप जाते हैं। ये ले, इस ग्लेशियर में ऐसी भी सिचुएशन आती है कि ये वाली सिचुएशन हो जाती है, वेरी गुड। तो इस तरह भी क्रॉस करना पड़ जाता है, नीचे बड़ी जो है ना वो ग्रेविस है बड़ी गहरी। ओ खैर, ये ज़रा चेक करें ये सारी की सारी, क्योंकि ये इसका अभी एंड हो रहा है, और आगे जो एंड है वो भी इसी तरह का ही है इसका। फाइनली जो है जी ग्लेशियर क्रॉस कर लिया था हमने पहले ही, और इस साइड पे जो ग्लेशियर का व्यू है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है जो कि आप दूसरी साइड से इसका व्यू देखते हैं। और अभी जो है वो कुछ साथी हैं हमारे, वो नीचे वो आ जाएं, और फिर ये ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ से ये वाला दर्रा, सॉरी ये यहाँ से आप जो है वो ऊपर जाएंगे आगे, मेरे ख्याल में 2 ग्लेशियर है, एक है और उसके बाद आगे फिर प्लेन, तो वो क्रॉस करेंगे, उसके आगे जाके जो है हम कहाँ पे स्टे आज, बिटचकोर जी, हाँ बिटचकोर में जो है वो कैंप साइट है पहले इसकी। ले जी, वहाँ से चलते हुए जो है तकरीबन हमने दूसरा जो ग्लेशियर है वो भी हमने क्रॉस कर लिया इसका रश लेक का, ठीक है, फर्स्ट डे का जो ट्रैक है ये मैं आपको दिखाता हूँ। और आगे जो है हमारा तकरीबन कह लेंगे आसान रास्ता रह गया, जो टफ था थोड़ा सा निकाल लिया, ठीक है जी। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, वो जो वाइट कलर का ग्लेशियर है, और ये जहाँ पे दरख्त नजर आ रहे वहाँ पे स्टेल, ये वाइट, ये ब्लैक है, ये भी सारे का सारा, ये सारे का सारा ग्लेशियर है, ठीक है। वो जो पहला आप ग्लेशियर क्रॉस करते हैं उसका
उसका नाम वो ऊपर है। और ये कौन सा ग्लेशियर है? बर्फो ये बर्फो ग्लेशियर है जी। तो इसके बाद आप जो है ये ग्लेशियर जैसे ही वो भी क्रॉस करके फिर ये वाला क्रॉस करने के बाद आप आते हैं यहाँ से, ये हम इसके पीछे और ये ग्लेशियर के साथ और पहाड़ों के साथ यहाँ से ये हम जो है ये ऐसे चलते जाएंगे ठीक है, ये सीधा यहाँ तक और वहाँ पे आज होगी हमारी पहली कैंप साइट। पहले दिन जो ऊपर ग्लेशियर है वो थोड़ा सा टफ है, उसके बाद ये वाला ग्लेशियर तो बड़ा इजी है, लेकिन ग्लेशियर जो है ये खैर ग्लेशियर तो ग्लेशियर होते हैं। तो वहां से जो है आप क्रॉस करने के बाद आगे फिर इजी है। पोर्टर हमारे आगे जा चुके हैं, वो कैंप करेंगे और वैसे भी 2-3 बज गए, तो बस आगे फिर ख्याल में 1.5 घंटे का रास्ता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी पहली कैंप साइट पे होंगे आज। फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं जी अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि आज हमने जो स्टे करना था वो हमने करना था जी बड़चकोर या बेडचकोर या जो भी है। तो मैं और रेहान भाई आ चुके हैं और कुछ फोटोज भी आ गए, ये कैंप लगा रहे हैं और उसके बाद बनाएंगे खाना शाना, उसके बाद जो है जाहिर सी बात है हम खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज का जो ट्रैक था काफ़ी 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 लंबा था, गालबन कोई 14 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया है और इसमें 2 हमने जो है वो ग्लेशियर क्रॉस किए हैं। जो पहला ग्लेशियर है उसकी वीडियोस आपने देखी हैं, वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कहते हैं जी वो मूव करता है पर डे कोई थोड़ा सा 5-6 इंच ये जो भी ये कहते हैं ठीक है जी। तो वहाँ पे वो आप जिस रास्ते से आते हैं वो जब वापस जाते हैं वो रास्ता होता नहीं है, फिर कोई और जुगाड़ लगाना पड़ता है और क्रेवस भी वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक थी। उसके बाद बाकी जो सारा ट्रैक है वो ऑलमोस्ट कह लें कि इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बस उसका जो है वो आपको थोड़ा सा टफ टाइम देगा, उसके बाद सारा रास्ता आपका बड़ा ईजी है और बड़े सुकून से आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो कल जो है हमारी डेस्टिनेशन दिस ये वाली है जी, यहाँ से हम क्रॉस करके फिर जाएंगे आगे, आगे एक और पहाड़ बताया जा रहा है उसको क्रॉस करेंगे, फिर आगे आ जाएगी हमारी रश लेक। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह नेगेवान।